हाँ जी चलो ले आओ गुगु को अंदर। अब्दुल हादी पैसे मांगे डा पे आए। पैसे लेने हैं? क्या लेना है अब्दुल हादी? क्या लेना है? क्या लेना है? हाय करो व्यूअर्स को, हाय करो। आंसर गया दूध लेने। इसको आंसर, इसको ये आंसर को जाने दे रहा। आंसर भाग गया। चलो शुजाना आओ आप वीडियो मेरी बनाओ। जी विवर जी, हम जी कुछ ढूंढ रहे हैं और देखते हैं जी मिलता है कि नहीं मिलता। अब्दुल हादी इधर आओ साइड पे। कोई भी नहीं लभ्या, कैमरे तो बगैर बनाया। हाँ जी जी, ये कब की ना बच्चे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये कैमरा भी है। और आठ केड़ा कैमरा चलाने वाला होता है? ज्यादातर तो दूसरे कैमरे चलते हैं, वो जो छोटे होते हैं। पर गांव में अभी भी ना वो बनवाते हैं जी बड़े कैमरे, सोंदे कड़ा बड़ा कैमरा ना ओला लेके आई उनते तो चोन बन दी है फिल्म। तो इसलिए जी ये राड पिछली सर्दी का मैंने रखा हुआ था, पिछली से भी पिछली सर्दी का। जब ना वो बैठते थे ना लाइव कॉल पे मैं और सना, तब जी ये इस्तेमाल होता था। तो फिर कभी अब लाइव आए नहीं, तो इसीलिए जी ये फिर मैंने इस कबाड़ में रखा हुआ था। इतना शुक्र है मिल गया। मैं इनको ढूंढा तो ये भी इसमें है कि अच्छा सही। तो जी अब जी मिल गया, हुन बड़े कैमरे से बनेगी मूवी रात नु। मेहंदी आज है ना? तो जी विवर जी, पहले से जी काफी मौसम चेंज हो चुका। मैंने जी डाले जी डोन के कपड़े और रजाइयां वगैरह तो जी निकाल ली थी, लेकिन जो गंडड़ियां ना मैंने सर्दी के कपड़ों वाली वो रखी थी पेटी में, वो जी मैंने निकाल ली है। और फिलहाल जी सर्दी के नए तो कपड़े अभी नहीं बनाए, लेकिन जो पुराने पड़े हुए हैं उन्हें निकाल के। और अंसर जी ले आया जी दूध। मैं कपड़े कपड़े लेके आया, तो दो दिन नहीं लिया काके का। तो जी विवर जी, मैं जी खिलवा खिला रही हूँ अब्दुल हादी को। क्या ये जिमसी? जिमसी मोर ये जी बहुत शौक से खाता है, ये ना। और जी मैं आपको लेके आऊँ गंडड़ी जो सर्दियों वाले कपड़ों की है। ठीक है, फिलहाल सर्दी में जी कपड़े वैसे भी ना हम इतने ज्यादा नहीं बनाते, बस थोड़े ही बनाते हैं। गर्मी में ज्यादा मैं कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि लोन ज्यादातर ना अभी भी सर्दी है, लेकिन ना मैं ज्यादा लोन के अभी मैंने कपड़े पहने हैं। जब फुल सर्दी पड़ती है ना, कि जब धुंध वगैरह होती है, तब जी मैं पहनती हूँ दूसरे सर्दी वाले कपड़े, सिर्फ एक दो मां पास रखने तो ज्यादा लोन के कपड़े। आज मैं कैमरा बंद गंदड़ी भी चंगी पा रही है। चल उठाल सिर पे। ये तो जी वाकई बहुत ज्यादा चलायो। मैं चूड़ियां चढ़ा चली है, किने किने चढ़ा रहे हैं। अब तो आधे तुमने चूड़ियां पहननी है ऐसे जी, वो जो चूड़ी चूड़ी का नहीं भी होती वो ऐसे उठा के, तो फिर कहती है चूड़ियां ले लो, और ना दही हौसला के ना तोड़ सके ते बेच लंदियां बेचारियां। टोकरा होंगे बड़ा वजनी सी भी, तो 25 किलो दिन का पार होना, बल्कि ज्यादा ही होना। कभी वजन चुकिया नहीं ना हूं, तार करके ज्यादा वजन 35। हां 35 तू तोड़ के रखी है। और ये जी हमारे मेरे और बच्चों के जी मिक्स ही है, अम्मी के भी है इसमें। मेरा कोट कहाँ गया? हाँ मेरा इधर एक कोट है, मुझे बहुत पसंद था। और ये जी मेरे यहाँ सर्दी के कपड़े, फुल सर्दी। ज्यादा जी मैं सर्दी में ऐसे के वूल के कपड़े पहनती हूँ या ये खद्दर के। पिछली बार मैंने जी ये दो सूट बनाए थे खद्दर के, एक ये है एक भी इतने किसी रुलता पे गंडी दे बेची। और क्योंकि ना सेफ है, पहल बल्कि हमारी दो सेफ है ना, सेफ है कपड़ों वाली, एक मेरी और अंसर की, एक में बच्चों के हैं और एक में मेरे हैं, जी दोनों ही फुल हुई पड़ी हैं। इसलिए जो सर्दी के कपड़े हैं ना वो जगह नहीं है सेफ में रखने में, तो इसलिए मेरी जो सर्दी के कपड़े हैं ना वो पेटी में रख देते हैं।
आंसर का एक खाना मेरे वाला खाना ना खा लिया अभी, मैंने उसमें अपने सर देख के कपड़े रख लिए। इस ब्लैक कलर की मेरी फिश है, फुल ब्लैक। और मुझे ये दूसरा ज्यादा नहीं इतना प्यारा लगता जितना मुझे ये ब्लैक कलर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा सुंदर ही ब्लैक है, लेकिन पैंटी में कम ही बनाती काम करने वाला। अभी इतनी काली इसलिए इनको जी एक दो दिन तक जी मशीन लगाऊंगी या हाथ से ना इनको अच्छी तरह पानी से निकालूंगी हल्की सी सर्फ डाल के ना, ऐसे नहीं पहने फिर खारिश होगी। हमारे भी दिखा दो हमारे बच्चों के लिए ये कोट वगैरह अपर वगैरह। ये मेरा था, ये आंसर का आंसर ये मेरा है, ये मेरा वो आंसर का था, ये मेरा वो आंसर का था। अपर वगैरह इनके हैं इस बार ना। हाँ जी, इस बार ना इतनी ज्यादा सर्दी नहीं हमारे पास है ना धुंध वगैरह। हालांकि ना पिछले साल और उससे पिछले साल इन दिनों में ना बहुत ज्यादा सर्दी होती थी और अब नहीं है। गांव वगैरह में है सर्दी लेकिन हमारे पास उतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। तो जी भी वजह आज का जी लोग भी काफी लंबा सारा हो गया, मेरी तो बातें नहीं। ये वीडियो पूरे चार की हो गई। और अगर आपने जी पूरी वीडियो वाच की तो कमेंट करके लाजमी बताना आपने के भी मैंने पूरी वीडियो वाच की है, ठीक है। इतना आपने कमेंट्स कर देना मुझे पता लग जाएगा कि आपने जी वाकई पूरी वीडियो वाच की है। और उम्मीद भी करती हूँ जी आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल पर नए तो जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ ही आप अपने होश होके को इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआओं में लाजमी याद रखा करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें और कमेंट्स के टिक वगैरह जी मैं खुद ही लगाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं और प्यारी प्यारी बातें जी हमारे साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।